दोस्तों आज हम जानेंगे 21 दिन तक लगातार दो अंडे खाने से शरीर में क्या होता है। गर्मी हो या सर्दी, हर एक सीजन में ज्यादातर अंडे को खाना सभी पसंद करते हैं, लेकिन अगर इसे अपने डाइट में रोजाना ऐड कर लिया जाए तो इससे बहुत ज्यादा फायदे हो सकता है। तो आइए जानते हैं कि रोजाना सिर्फ दो उबले अंडे खाने से शरीर में क्या बड़ा बदलाव होते हैं, और ये खासकर सभी को जरूर जानना चाहिए क्योंकि अंडे में विटामिन, फास्फोरस, सेलेनियम, जिंक, कैल्शियम, विटामिन B12, B5, विटामिन D, E, K, B6 और भी कई अन्य पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें 70 कैलोरी, 6 ग्राम प्रोटीन और 5 ग्राम फैट भी होता है, जो शरीर को स्वस्थ रखने का काम करता है। रोजाना दो उबले अंडे खाने से आप कई बीमारियों से बच भी सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए और जो चैनल में नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर लें ताकि कोई भी जानकारी मिस ना होने पाए। सो हाय एंड हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राजा एंड यू आर वॉचिंग हेल्थ ट्रेनर। तो चलिए शुरू करते हैं। अंडे को ब्रेकफास्ट के रूप में खाना चाहिए क्योंकि अंडे को ब्रेकफास्ट के रूप में खाने से शरीर को सबसे ज्यादा फायदा मिलता है क्योंकि अंडे में भरपूर मात्रा में कैरोटीनॉइड्स पाए जाते हैं जो आंखों के सेहत के लिए बेहद जरूरी होते हैं। आपको यह बता दें कि कैरोटीनॉइड्स आंखों की मांसपेशियों को मजबूती देते हैं। ऐसे में रोजाना दो अंडे खाने से आंखों में मोतियाबिंद का खतरा भी नहीं रहता है क्योंकि इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स रेटिना को मजबूती देने का काम करता है। इसके अलावा अंडे में मौजूद ओमेगा 3, विटामिन और फैटी एसिड दिमाग के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। इन्हीं नहीं, अंडे में कोलिन भी पाया जाता है जिससे कि याददाश्त यानी मेमोरी तेज होती है और दिमाग हरदम एक्टिव रहता है। इसके अलावा अंडे में मौजूद विटामिन B12 टेंशन को दूर करने में मदद करता है, इसीलिए जो लोग ज्यादातर टेंशन में रहते हैं उसे रोजाना अंडे खाना चाहिए। इसमें कुछ ऐसे तत्व भी पाए जाते हैं जो डिप्रेशन को दूर करके मूड को अच्छा बनाता है। साथ ही अंडा खाने से आपके शरीर में भरपूर एनर्जी मिलती है और अगर आप नाश्ते में अंडा खाते हैं तो आप दिन भर एनर्जेटिक बने रहते हैं। इसके अलावा ये आपकी कार्य क्षमता को भी इंक्रीज करता है। अंडा विटामिन B से भरपूर होते हैं, साथ ही इसमें विटामिन B12, बायोटिन, राइबोफ्लाविन, थियामिन और सेलेनियम भी मौजूद होते हैं। ये सभी विटामिन अच्छे बालों के लिए, अच्छे त्वचा के लिए और नाखूनों के लिए जरूरी होते हैं। कहा जाता है कि उबले हुए अंडे अगर आप खाते हैं तो आपके शरीर को विटामिन D और भरपूर प्रोटीन मिलता है जो हड्डियों को स्ट्रांग बनाता है। साथ ही साथ उबले हुए अंडे खाने से जोड़ों में दर्द कभी नहीं होती है, और अगर आपके शरीर में आयरन की कमी है तो रोजाना उबले हुए अंडे का सेवन जरूर करें क्योंकि अंडे के पीले वाले भाग में आयरन बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए अंडे के पीले वाले भाग खाने से बॉडी में आयरन की कमी दूर हो जाती है। वैसे तो अंडे खाना हमारे सेहत के लिए काफी फायदेमंद होता है। इसमें पाए जाने वाले गुड क्वालिटी प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी होते हैं। इसका सेवन करने से हमारे बॉडी मसल्स बढ़ने के साथ साथ स्ट्रांग भी होते हैं क्योंकि अंडा प्रोटीन का एक अच्छा और सस्ता फूड है। इसलिए कहा जाता है कि जो लोग काफी दुबले पतले होते हैं उनको इसे जरूर खाना चाहिए। और कुछ जरूरी बातें जो आप सबको जरूर जानना चाहिए वरना मौत का खतरा भी हो सकता है। दोस्तों कुछ लोग अंडे के साथ खट्टा चीजें खाते हैं जैसे नींबू, संतरा, अचार, ऐसे और भी। आपको ये पता होना चाहिए उबले हुए अंडे के साथ या खाने के तुरंत बाद कभी भी आपको खट्टा चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से ये हमारे शरीर में रिएक्शन पैदा करता है और हमारे पाचन क्रिया से संबंधित कई प्रकार की समस्या शुरू होने लगती है। इसमें दिल से जुड़ी परेशानी भी हो सकती है। तो कभी भी अंडे के साथ कोई भी खट्टा चीजों का सेवन ना करें। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ हेल्थ रिलेटेड इंपॉर्टेंट जानकारी जो आप सबको जरूर जानना चाहिए। उम्मीद है आप सबको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, और अगर आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ये एकदम से फ्री होता है एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप सबके ढेर सारे प्यार के साथ मिलते फिर अगले वीडियोस पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।